तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं डेटा कनेक्टिविटी। और डेटा कनेक्टिविटी में हमने लास्ट क्लास में बताया था कि खुद के जो डेटा होते हैं उसको कैसे एंटर करेंगे, राइट? यस सर। मतलब कि हम किसी कोई किसी फाइल से डेटा को ना लेके हमारी खुद की जो डेटा सेट होती है उसको कैसे लें। okay. हम बात करेंगे कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फाइल से डेटा कैसे ली जाती है और एक से ज्यादा डेटा कैसे लेंगे। ओके। तो गेट डेटा पे आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से लेना है तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक कर दिया, अपने डेटा लोकेशन पे चलेंगे एंड ओपन। थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा और ये डेटा आपको एक्सेल सीट का डेटा पावर बीआई में लोड कर देगा। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि पावर बीआई में डेटा लिंक करेगा या लोड करेगा। बात समझ रहे सर? ओके। दो चीजें यहाँ पे होती है, क्या पावर बीआई पे डेटा को लोड कर लेगा या लिंक करेगा। जैसे कि एग्जांपल में एक्सेल की हम बात करें, एक्सेल सीट की बात करें, तो जैसे यहाँ पे आपका C16 में 20 है, तो हमने क्या किया यहाँ पे लिंक कर दिया। अब दोनों 20 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये डेटा जो C16 से उठ के आया है या फिर लिंक है। दिक्कत क्या है बताता हूं। यहां पे मान लीजिए उठ के आया है, कॉपी पेस्ट हमने किया हुआ, राइट? कल के रेट में अगर मैं इसको चेंज करूंगा लिंक विल बी ऑटोमेटिकली चेंज, बट यहां चेंज नहीं होगा, यहां हमें मैन्युअली चेंज करने पड़ेगा क्योंकि इसका अलग अपना सब कुछ है। बट इसका अपना कुछ नहीं है, जस्ट फॉलो द C16। तो सेम चीज यहां पे जो होता है दोनों होता है, समझे? जस्ट लाइक अ पिवट टेबल, कि आपका डेटा यहां आ गया तो डेटा आपका जो डेटा यहां पे आया हुआ है एक डेटा विल बी लोडेड एंड ऑल्सो द लिंक। लेकिन जब तक मैं इसको रिफ्रेश नहीं करूंगा तब तक इस डेटा को अपडेट नहीं करेगा। ओरिजिनल फाइल में किसी तरह की चेंजिंग कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां भी चेंजिंग हो जाएंगे। चेंजिंग कब होगा? जब होम में जाके मैं यहाँ इस रिफ्रेश बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है, देन मेरा डेटा अपडेट होगा। अब यहां पे क्वेश्चन आती है कि ओरिजिनल फाइल अगर डिलीट हो गई तो रिफ्रेश होगा ही नहीं, बट आपका जो डेटा है आपका डेटा जैसा है वैसा रहेगा ही रहेगा। ओके। समझे? क्लियर है? क्लियर है, मतलब एक बार डेटा लोड हो गया तो वो डेटा फिर रहेगा। जी हाँ जी। क्लियर है? ये क्लियर। अब हम क्या दो सीट का डेटा यहाँ पे लेके आ सकते हैं? जी हाँ, दो सीट का डेटा भी लेके आ सकते हैं। डिफरेंट दो फाइलों का, दो शीट का डेटा। जैसे मान लीजिए कि एक और फाइल है हमारे पास जो कि डिफरेंट लोकेशन में है, मैं यहाँ 2021 में 2020 है, 2020 के यहाँ पे डेटा। ओके ओके, सिलेक्ट किया। तो दो या दो से अधिक डेटा सेट को भी हम यहाँ लोड कर सकते हैं। अब दो डेटा शीट को लोड कर रहे हैं तो क्या दोनों में रिलेशन होना चाहिए, जैसे लाइक वीलुकअप और बाकी रिलेटेड रिलेशन पीपल टेबल हम लोग यूज करते हैं? इसकी जरूरत नहीं है सर, समझे? ओके। अगर आपको ऐसा लगता है कि दोनों में रिलेशन करना है तो यू कैन रिलेट, अदरवाइज दोनों की इंडिविजुअली रिपोर्ट बनाई जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल में कि हमने यहाँ पे मान लीजिए कि हमने फुनल चार्ट लिया और फुनल चार्ट में हमने नेम डेटा फाइल से डेटा फाइल दिख रहा है, डेटा नाम का जो डेटा है उससे हमने फुनल चार्ट ले लिया, राइट? और एक चार्ट और हम यहां लेना चाहते हैं। अब मान लीजिए हम ये कॉलम चार्ट लेना चाहते हैं, कॉलम चार्ट हम दूसरे अपने दूसरा शीट जो है इससे ले लेते हैं कि नेम एंड दोनों इंडिविजुअल है, इससे कोई लिंक नहीं है।
लेकिन इसमें दोनों में प्रॉब्लम है। व्हाट प्रॉब्लम? कि अगर मैं एक को फिल्टर करता हूं तो ये एक को फिल्टर की, जैसे मान लीजिए इसको फिल्टर किया तो सिर्फ ये इफेक्टिव होगा, बाकी आपका ये चार्ट इफेक्टिव नहीं होगा। सही बात है। नॉन पीछे पीछे के रीजन क्या है? फिलिंग नहीं है, लेकिन अभी इफेक्टिव हो रहा है। बोला ना सर? हाँ सर। क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑटोमेटिकली इसने इन दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट कर दिया। समझ रहे हैं सर? ये रिलेशन कैसे क्रिएट किया? मतलब वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया सर। अब यहां से रिलेशन को रिमूव कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली इसने दो हेडिंग को मैच किया, दो डेटा टाइप को मैच किया और रिलेट कर दिया सर। अच्छा, दोनों सेम टाइप के डेटा है तो दोनों ने देखा है तो इसने रिलेशन मैच कर दिया। ओके, तो रिलेशनशिप हो जाएगा तो दोनों में इफेक्टिव होगा, रिपोर्ट जब फिल्टर होगी तो। रिलेशनशिप नहीं होगा तो नहीं होगा, तो आप रिलेशनशिप को डिलीट कर सकते हैं अगर आप ऐसा हो गया तो। ठीक है, ओके सर। अब दोनों का रिलेशनशिप डिलीट हो गया, अब आप किसी एक को फिल्टर करेंगे तो दूसरा फिल्टर नहीं हुआ। नहीं हुआ, बराबर सर। ठीक है, तो अलग अलग सीट से भी रिपोर्ट को लेके आ सकते। अब बात करते हैं जब हम किसी नोटपैड या टेक्स्ट से डेटा कैसे लाएंगे। तो एक्सेल फाइल को डेटा लाना समझ में आ गया। अब आपके yes. पास सीएसवी फाइल हो या नोटपैड की फाइल हो तो दोनों एक ही कैटेगरी में आती है। इसको सेलेक्ट कीजिए, कनेक्ट कीजिए। अब इसे डेटा ही ले लीजिए, हमने लिया, ओपन करता। ओपन करते ही यहां पे आपको सबसे पहले डेटा का फॉर्मेट दिख रहा है, कॉमा सेपरेटेड। इसमें डेटा दिखा ही नहीं सर, टोटल सेल ही सिर्फ दिख रहा है, इसमें डेटा है ही नहीं। एक मिनट कोई और लेता हूं। एक सीएसवी फॉर्मेट है। अब यहां पे बता रहा है कॉमा सेपरेटेड कि इन दोनों इसके बीच में जब अब डेटा लाएगा तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में सेपरेशन क्या है। तो ये है कि आपकी इतना तरह की शब्द है कि भाई इक्वल साइन ले लीजिए, सेमी कॉलम ले लीजिए, स्पेस ले लीजिए, टैब ले लीजिए, जो मर्जी है आप वो यहां ले सकते। ठीक है, ठीक है, इस तरह की चीजें ले सकते हैं। अब बात करते हैं पीडीएफ की। देखिए पीडीएफ से डेटा को कनेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ी सी चीजें जान लीजिए। पीडीएफ से डेटा को कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले बात की जो पीडीएफ कॉपी है वो स्कैन नहीं होनी चाहिए। समझ गए? ओके। अगर आपका पीडीएफ स्कैन है तो नहीं होगा। दूसरा पीडीएफ में एक पेज पे ही आपका पूरा हेडिंग होना चाहिए। होता है कभी कभी कि माने कि अटेंडेंस ही है तो एक सेल लेके 25 तक एक पेज पे और 25 से 26 से दूसरे पेज पे आ गया। तो विड्थ वाइज देखिए आपको कॉलम माने इसमें हाइट वाइज अगर डिफरेंट डिफरेंट पेज पे हो तो क्लब हो जाता है। लेकिन विड्थ वाइज डिफरेंट डिफरेंट पेज पे नहीं होना चाहिए। और दूसरा अगर हाइट वाइज अगर डिफरेंट डिफरेंट पेजेस में है तो सब पे हेडिंग होना चाहिए हर पेज पे। जी हाँ, ओके। जैसे डेटा ऐसे होता है ना, यहाँ पे देखिए डेटा आपके पास है तो एक डेटा है मान लीजिए इसी को देखिए तो एक पेज पे प्रिंट हुआ तो आप देखे ऊपर कि भाई इमेज यह हेडिंग है, दूसरे पेज पे भी हेडिंग होना चाहिए सर। ओके, और उसके लिए हम लोग प्रिंट आउट कर लेते हैं ना तो ये हेडिंग होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि डेटा अलग अलग सीट्स में आएगा, डेटा कुलेट नहीं हो पाएगा।
बात समझ आया ना, यस सर, एक के नीचे जो ऑटोमेटिक हो जाता है वो एक के नीचे ऑटोमेटिक नहीं पाएगा, राइट सर। यस सर, मैं यहां एक बार दिखाता हूं आपको खोल के, और टाइम लगा रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे पेजेस है सर, उसको कुलेट कर रहा है सर। अच्छा, ये देखिए, दिख रहा है सर यस सर, पेज पे हर पेज के ऊपर हेडिंग है इसलिए बॉर्डर लगा हुआ है, हम्म, तो जाके इसने रीड कर रहा है यहाँ पे और उसको बंच कर बनाएगा। हाँ ये आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, देखा सर, एक सौ यहाँ पे टेबल बना दिया, एक से लेके 55 सी पेज का एक कंप्लीट बंच भी यहाँ बना दिया, बाकी ओके ओके इंडिविजुअल पेज भी है, कंप्लीट लेना है कंप्लीट लीजिए, इंडिविजुअल लेना है तो इंडिविजुअल ले सकते हैं, ओके उसको सिलेक्ट कीजिए एंड यू कैन लोड इट। तो इस डेटा अभी मैंने आपको एक्सेल फाइल से बताया, दो डिफरेंट डिफरेंट एक्सेल फाइल से बताया, लिंक विदाउट लिंक, आपको नोटपैड से बताया और आपको मैंने पीडीएफ से बताया, राइट सर। यस यस सर, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, अगली क्लास में हम आपके साथ बात करेंगे कि दो इसमें एक फोल्डर में डेटा है, अलग अलग फोल्डर का फाइल है, मतलब एक फोल्डर में 50 फाइलें हैं, तो उस हम्म, पास फाइलों को एक के नीचे कॉपी पेस्ट करके कैसे लिंक करेगा, ओके उसके बाद फिर स्टार, उसके बाद जो डेटाबेस से है तो डेटाबेस कोई खास कोई नहीं है, उसके बाद फिर हम कैलकुलेशन की तरफ बढ़ेंगे।